नमस्कार, मैं हूँ जया किरण। हेलो, आई एम साक्षी सुमन। बिहार की धरती पर देश के सबसे पुराने महाविद्यालयों में से एक 1908 में स्थापित बिहार कृषि महाविद्यालय की स्वर्णिम विरासत को समेटते हुए 5 अगस्त 2010 को शुरू हुआ बिहार कृषि विश्वविद्यालय का सफर। In its journey of 8 years, this university has made remarkable achievement in the field of education, research, extension and training, both at national and international level. For quality education, this university has even received 21st rank among 80 state and central agricultural universities of India. Now, let's have a look at the highlights of some recent activities in this university. माननीय कृषि मंत्री बिहार सरकार डॉक्टर प्रेम कुमार ने बिहार कृषि विश्वविद्यालय सहित कृषि विज्ञान केंद्रों और महाविद्यालयों का किया भ्रमण और यहां चल रहे कार्यों की समीक्षा। मुझे काफी खुशी हो रही है कि आज इस परिसर में अनुसंधान का क्षेत्र रहा हो, प्रशिक्षण के मामले में हो, शिक्षा के मामले बहुत बेहतर तरीके से उनका प्रतिनिधित्व कर रहा है। विश्वविद्यालय के बॉटेनिकल गार्डन का किया जा रहा है जीर्णोद्धार, लगाए जाएंगे दुर्लभ प्रजाति के पौधे। माननीय मुख्यमंत्री के परामर्शी श्री अंजनी कुमार सिंह ने बॉटेनिकल गार्डन में चल रहे कार्यों का लिया जायजा। बिहार कृषि विश्वविद्यालय परिसर में तैयार हुआ फूड डेवलपमेंट सेंटर, यहाँ फल और सब्जियों को प्रोसेसिंग उपरांत कैनिंग, शहद का शुद्धिकरण, मक्का, दलहनी और अन्य अनाजों से तैयार किया जाएगा रेडी टू सर्व स्नैक्स। मीडिया सेंटर द्वारा आईसीटी के क्षेत्र में किए गए अभूतपूर्व कार्य के लिए विश्वविद्यालय को मिला प्रतिष्ठित एक्सप्रेस टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड। यह अवार्ड इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप द्वारा आगामी 10 अगस्त को विशाखापत्तनम में दिया जाएगा। विश्वविद्यालय मुख्य रूप से 4 क्षेत्रों में काम कर रही है। पहला, कृषि शिक्षा देना, दूसरा, कृषि में शोध करना, तीसरा, किसान भाइयों को प्रशिक्षण देना और चौथा, उन तक वैज्ञानिक खेती को पहुँचाना। Let's give you a glimpse of success this university is receiving while working in the field of education, research, extension and training. First, let's talk about education. BAU Sabaur द्वारा छात्र छात्राओं को प्रयोग आधारित गुणवत्ता युक्त शिक्षा दी जा रही है। यहाँ छात्रों को अध्ययन के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जैसे स्मार्ट क्लास, आधुनिक प्रक्षेत्र, अत्याधुनिक पुस्तकालय, ई लाइब्रेरी, अनुसंधान के लिए विश्व स्तरीय प्रयोगशाला, विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ कृषि अनुसंधान में करार, करियर काउंसलिंग, अर्न वाइल लर्न कार्यक्रम, पाठ्यक्रम के डिजिटलीकरण, सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट, बॉडी लैंग्वेज डेवलपमेंट के साथ ही पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए कार्यशाला, प्लेसमेंट और ट्रेनिंग सेल इत्यादि द्वारा विद्यार्थियों को उच्च स्तरीय शैक्षणिक माहौल दिया जा रहा है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने 5th डीन कमेटी की अनुशंसा को पूर्णतः लागू किया है। इसके तहत अब विश्वविद्यालय में 6 महीने का एक्सपीरियंस लर्निंग, मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन और जैव उर्वरक उत्पादन के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कृषि स्नातक के सभी विद्यार्थियों के लिए 7वें सेमेस्टर में रावे कार्यक्रम के तहत छात्र छात्राओं को गाँव में जाकर किसानों के साथ मिलकर कृषि कार्यों का प्रशिक्षण लेना जरूरी कर दिया गया है। अनुभव आधारित ज्ञान के लिए छात्र छात्राएं पीसीपी कार्यक्रम के तहत स्वयं खेती की विधा को सीख रहे हैं। प्रायोगिक शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रायोगिक पुस्तकें भी विकसित किया गया है। छात्र छात्राओं की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सभी क्लासरूम और लाइब्रेरी में बायोमेट्रिक द्वारा उपस्थिति ली जा रही है। गुणवत्तायुक्त शिक्षा का परिणाम है कि देश ही नहीं बल्कि विदेशी छात्रों का भी रुझान बिहार कृषि विश्वविद्यालय की तरफ बढ़ा है। विश्वविद्यालय के स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम में वर्ष 2017-18 के लिए 327, इसके अलावा स्नातकोत्तर और पीएचडी पाठ्यक्रम में वर्ष 2018-19 के लिए अब तक कुल 96 छात्र छात्राएं दाखिला ले चुके हैं। स्थापना के उपरांत अब तक हुए 4 दीक्षांत समारोह में 1154 छात्र छात्राओं को उपाधियां और 34 छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल प्रदान किया जा चुका है। छात्र छात्राओं में खेल के प्रति बढ़ावा देने के लिए अंतर महाविद्यालय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाता रहा है।
और इन्हीं के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता रहा है। तो देखा आपने, बिहार कृषि विश्वविद्यालय अपनी गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिए सेंटर फॉर टीचिंग एक्सीलेंस, स्मार्ट क्लासरूम, एडवांस लैब, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस, कमजोर छात्रों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस के साथ साथ एक बेहतरीन लाइब्रेरी भी उपलब्ध है। तभी तो BAU सबौर के छात्र यहाँ से निकलकर एक बेहतर मुकाम हासिल करते हैं। चलिए अब इस सफरनामे को आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा करते हैं कृषि के मेरुदंड यानी शोध की, और जानकारी प्राप्त करते हैं विश्वविद्यालय में चल रहे शोधों को किस तरीके से किसानों को लाभ मिल रहा है। बिहार में यहाँ की मिट्टी और जलवायु के अनुरूप शोध के द्वारा उपयुक्त किस्मों और तकनीकियों को विकसित करने की दिशा में तेजी लाने के लिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर स्थापना से ही कृत संकल्पित होकर शोध कार्यों में लगी है। शोध गतिविधियों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा 5 शोध समूहों का गठन किया गया, जिनमें है फसल सुधार, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, फसल संरक्षण, उत्पादन विकास एवं विपणन और समाज विज्ञान। विश्वविद्यालय के अंतर्गत तीनों सस्य पारिस्थितिकी क्षेत्रों में कुल 12 अनुसंधान केंद्र कार्य कर रहे हैं। यह गैर योजना के तहत 187 परियोजनाएं, अखिल भारतीय समन्वित शोध परियोजना के अंतर्गत 19 परियोजनाएं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषित परियोजनाओं के अंतर्गत 23 परियोजनाएं, इस प्रकार लगभग 229 परियोजनाएं संचालित की जा रही है। इसके साथ ही विश्वविद्यालय के शोध उपलब्धियों के अंतर्गत यहाँ कई तकनीकें और प्रभेदों को विकसित एवं विमोचित की गई हैं। सबसे पहले बात तकनीकों की। विश्वविद्यालय ने धान, गेहूं, मक्का बुआई तकनीक, फसल प्रणाली, विभिन्न फसलों, सब्जियों और फलों में रोग और कीट नियंत्रण तकनीक, सालों भर हरा चारा उपलब्ध कैसे हो, समेकित कृषि प्रणाली, मौसम के अनुरूप खेती सहित लगभग 22 तकनीकों को किसानों के लिए विकसित और विमोचित किया गया है। The year 2017-18 proved to be quite successful for various researchers that are happening in this university. Bihar's 3 exclusive agricultural product, Katarni rice, Jardalu mango and Maghi paan have got geographical indicator or the GI tag. Along with the development of new technologies, the number of released crop varieties has now become 19. Let's see how the farmers are being benefited from different researches that are happening here. प्रभेदों में धान के लिए सबौर सुरभित, सबौर अर्धजल, सबौर दीप, सबौर श्री, भागलपुर कतरनी, सबौर हर्षित, सबौर संपन्न, गेहूं के लिए सबौर निर्जल, सबौर समृद्धि और सबौर श्रेष्ठ विकसित और विमोचित किए जा चुके हैं। मक्का के लिए सबौर मक्का 1-2 एवं DHM 117, तीसी के लिए सबौर तीसी 1, चना के लिए सबौर चना 1, सब्जी में फूलगोभी के लिए सबौर अग्रिम, फलों में सबौर बेल 1, सबौर लीची 1, सबौर आम 1 एवं सबौर मखाना 1 विकसित और विमोचित किए जा चुके हैं। विश्वविद्यालय में चल रहे महत्वपूर्ण शोध का एक नमूना यहाँ का टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला है। यह प्रयोगशाला राज्य भर के किसानों के लिए पूरी तत्परता से काम कर रहा है और केले के रोगमुक्त पौधों को विकसित कर रहा है। इस प्रयोगशाला की क्षमता प्रति वर्ष 10 लाख पौधे तैयार करने की है। BAU में स्थापित टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला में केले में मिली अपार सफलता के बाद अब बांस, जरबेरा, स्ट्रॉबेरी और अनानास पर अनुसंधान कार्य भी चल रहा है। उर्वरक और सिंचाई उपयोग में दक्षता बढ़ोतरी के लिए नैनोटेक्नोलॉजी के प्रयोग पर भी कार्य किया जा रहा है। Likewise, this university has well furnished biotechnology lab, nanotechnology lab and soil testing labs in which researches related to different aspects of agriculture is being carried on. रिमोट सेंसिंग के माध्यम से मिट्टी में आर्सेनिक और फ्लोराइड की मात्रा को देखने के लिए मानचित्रण और उसके प्रभावों को कम करने के उपायों पर भी शोध जारी है। बिहार के भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, मधेपुरा, पटना, नालंदा और रोहतास जिलों में GPS आधारित मृदा मानचित्रण भी किया जा रहा है। इसके अलावा विश्वविद्यालय में चल रहे सभी शोध गतिविधियों पर परिचर्चा एवं प्रस्तुतिकरण के लिए वर्ष में 2 बार शोध परिषद की बैठक की जाती है, जिसमें वैज्ञानिक, किसान और देश के प्रमुख विशेषज्ञ मिलकर यहां चल रहे सभी शोधों पर विस्तृत परिचर्चा करते हैं। द
This university has always been conducting various training programs related to agricultural entrepreneurship, horticulture, agricultural engineering, and even sewing and other skill development for women farmers. Recently, it has also organized one of the biggest training under Prime Minister's Skill Development Program. So, let's have a look on various training programs that are being organized here. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर अपने प्रसार शिक्षा निदेशालय द्वारा किसानों के लिए लगभग सभी विषयों पर निरंतर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करती आ रही है। प्रसार शिक्षा निदेशालय द्वारा पिछले 3 वर्षों में लगभग 86 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसके माध्यम से कुल 3672 वैज्ञानिक, किसान और प्रसार कार्यकर्ता लाभान्वित हुए। इसके अलावा अपने अधीन 20 कृषि विज्ञान केंद्रों के द्वारा पिछले 3 वर्षों में अलग अलग विषयों पर लगभग 11,164 प्रशिक्षण कार्यक्रम कर लगभग 3.5 लाख किसान और प्रसार कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया। कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से वर्ष 2017-18 में कुल 41 प्रशिक्षण में लगभग 1209 ग्रामीण युवक युवतियों को 10 जॉब रोल में स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षित किया गया। कौशल विकास प्रशिक्षण के सफल आयोजन के लिए विश्वविद्यालय में अभी तक 3 ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स यानी TOT कार्यक्रम का आयोजन भारतीय कौशल विकास परिषद के सहयोग से किया गया है, जिसमें कुल 726 ट्रेनर्स तैयार किए गए हैं, जिनके माध्यम से राज्य में कौशल विकास के कार्यक्रम को संचालित किया जा रहा है। ये विश्वविद्यालय किसान भाइयों को नई पद्धतियों के बारे में जानकारी देने के साथ साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई प्रशिक्षण शिविर आयोजित करती है, जिसमें भाग लेकर किसान भाई अपने जीवन को एक नया आकार देने में सक्षम हो पाते हैं। अभी तक विश्वविद्यालय में कुल 7 अलग अलग विंटर, समर और शॉर्ट कोर्स करवाए गए हैं। इस तरह सभी प्रशिक्षणों को जोड़ा जाए तो पिछले 3 वर्षों में विश्वविद्यालय और इसके अधीन सभी अंगों द्वारा 13,111 प्रशिक्षण कार्यक्रम हुए, जो कि यह अपने आप में एक अनोखा है। शिक्षा, शोध और प्रशिक्षण के अलावा विश्वविद्यालय प्रसार के माध्यम से किसानों के जीवन को सुलभ बनाने के लिए कई काम कर रही है। आइए देखते हैं विश्वविद्यालय द्वारा यह प्रसार कार्यक्रम किसानों तक कैसे एक अभियान के रूप में पहुंच रहा है। किसान उपयोगी शोध को किसानों तक पहुंचाने के लिए विश्वविद्यालय प्रसार के कई माध्यमों को अपना रहा है, जैसे किसान चौपाल, किसान मेला का आयोजन, प्रथम पंक्ति प्रदर्शन, प्रथम पंक्ति प्रसार कार्यक्रम इत्यादि। विश्वविद्यालय किसानों एवं प्रसार कार्यकर्ताओं के रोचक जानकारियों से भरी पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं भी नियमित रूप से प्रकाशित कर रही हैं, जिसमें कृषि की कहावतें, किसान समाचार और बिहार किसान डायरी काफी लोकप्रिय हो रहे हैं। इसके अलावा विश्वविद्यालय कंजर्वेशन एग्रीकल्चर को विभिन्न परियोजनाओं जैसे SRFSI एवं फार्मर फर्स्ट द्वारा बढ़ावा दे रही है। हाल में विश्वविद्यालय ने यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के साथ करार किया है, जिसमें बिहेवियरल इकोनॉमिक्स पर शोध कर कंजर्वेशन एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जाएगा। कृषि विकास में उत्कृष्ट कार्य के लिए माननीय प्रधानमंत्री द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र औरंगाबाद को दीनदयाल उपाध्याय सर्वश्रेष्ठ कृषि विज्ञान केंद्र अवार्ड से सम्मानित किया गया। वहीं इस वर्ष का प्रतिष्ठित जगजीवन राम कृषि अभिनव पुरस्कार बांका के विनीता कुमारी और रिंकी कुमारी को दिया गया है। BAU has also developed a very unique model to reach out to the farmers using ICT, that is Information and Communication Technology. And this model is gaining attention from all over the country. And the technical videos that are developed here are educating farmers in not only Bihar, but from all over India. लोक शिक्षण में सूचना तकनीकी की महत्ता को समझते हुए प्रसार शिक्षा निदेशालय के अधीन संचालित मीडिया सेंटर के द्वारा किसानों एवं प्रसार कार्यकर्ताओं के लिए लगभग 113 तकनीकी फिल्मों और विज्ञापनों का निर्माण किया जा चुका है। सोशल मीडिया के माध्यम से किसानों को तकनीक उपलब्ध कराने के लिए YouTube पर अनेक तकनीकी फिल्मों को अपलोड किया गया है, जिसे लगभग 128 देशों के लोगों ने देखा और खूब सराहा। ICR की पहल पर मीडिया सेंटर के द्वारा किसानों की उपलब्धियों को उनकी सफलता के रूप में चित्रित कर सफलता की कहानी का रूप प्रदान किया गया है, जिसकी प्रशंसा हजारों की संख्या में लोग कर रहे हैं। मीडिया सेंटर में अब अल्ट्रा हाई डेफिनेशन यानी 4K रेजुलेशन में फिल्में बनने लगी हैं।
इन सभी के अलावा प्रसार के नवीनतम तकनीकों के इस्तेमाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और सामुदायिक रेडियो स्टेशन के द्वारा भी किसानों को जानकारी दिया जा रहा है, जिसमें कृषि वैज्ञानिक सीधे किसानों से बातचीत कर रहे हैं, विश्वविद्यालय के अपने टोल फ्री नंबर पर किसान समसामयिक जानकारी ले रहे हैं, वहीं मोबाइल एग्जीबिशन वैन किसान ज्ञान रथ के माध्यम से विश्वविद्यालय कृषि आधारित तकनीकी फिल्मों को गांव-गांव तक जाकर प्रदर्शित कर रहा है। इससे किसान नई सोच की ओर उन्मुख हो रहे हैं। बिहार कृषि ऐप के माध्यम से किसान बंधुओं को विश्वविद्यालय द्वारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया गया है जहाँ से वे हर फसल के बारे में सटीक जानकारी ले सकते हैं। बिहार कृषि विश्वविद्यालय का इस बार का सफरनामा बस यहीं तक। भले ही हमने कई मुकाम हासिल की, लेकिन सफर अभी दूर तक तय करना बाकी है। You're right. We have a long journey ahead of us. Duties to perform, opportunities to take, goals to achieve, and promises that will surely be kept.